नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके के फरीद नगर में आज एक किसान की हत्या कर दी गई। किसान का शव उसके खेत में मिला। उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और गले पर निशान थे। पुलिस का मानना है कि हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। भोजपुर इलाके के फरीद नगर में रहने वाला महराजुद्दीन का शव आज सुबह उसके खेतों में मिला। महराजुद्दीन अपने खेतों में सब्जी बोने का काम किया करता था। वहीं परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सुबह के समय शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस जांच के लिए पहुंच गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या है सारा मामला, देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता गंगाराम की एक खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नज्जो। यहाँ क्या बात है, क्या घटना हुई? अरे भैया, जंगल में हमारा टाइम करा ना, सब्जी बो रखी है जंगल में। रात को गीदड़ में लगे बिजार बिजार सब्जी की वजह से वहाँ एक जने को लेकर लेटा था। वे दुश्मन लग गए। पहले तो 4 लाख रुपए मारा जंगल का काम है लेके भग गए, और वे दूसरा का फिर आ गए। उन्होंने ही मारा है इसे। कौन है, नाम पता है कुछ? नाम की पता ना, नाम आदमी बतावेंगे। तो पता है आपको कौन? हाँ हमें पता है, नाम आदमी बताएंगे। उसे तो इस आगे टाइम ही पकड़ लिया। रामू फोन कर रहा लोने से इतने बड़े से। किस टाइम की घटना है ये? ईसा के टाइम ही पकड़ लिया उसे तो भैया, जो उनसे दूसरे को बांध के 12 बजे वो आया। हाँ 9 बजे पकड़ लिया उसे। उनकी किसी कोई दुश्मनी रंजिश वगैरह थी? अरे भैया, इस गांव में तो हमारे जमीन से जले मेरे लाल अभी इकले, हमारा ससुरा इकला था अपने बाप के। जमीन का यू सोच है कि इन पे सही कैसे सब ने बेच ली, अब दुकान की भी बिक जा कैसे। ससुर जी क्या नाम है? मेरे ससुरे का अरुण नाम था। इनका क्या नाम था? मेरे महराजुद्दीन। ठीक है जी। अरे भैया, इसका कोई बदला ले लो तो सोमारा अल्लाह। आज प्रातः ग्राम फरीद नगर थाना भोजपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति है महराजुद्दीन, उनका शव खेत में मिला है। गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। देखने से लग रहा है कि किसने गला दबा के उनको मारा है। उन्हें शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट वहाँ पर अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा घर वालों द्वारा कुछ नामजद तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।